खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से। यहाँ घूसखोर दरोगा ने पुलिस महकमे की छवि को ही दागदार कर दिया। दरअसल विजिलेंस की टीम ने दरोगा को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने आरोपी दरोगा 41 CRPC का नोटिस तामील कराने के नाम पर शिकायतकर्ता से 20,000 की घूस मांग रहा था। जैसे ही शिकायत की पुष्टि हुई, विजिलेंस ने जाल बिछाया और आरोपी दरोगा को रिश्वत की रकम के साथ धर दबोचा। ये पूरा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ तैनात है दरोगा इंद्रजीत सिंह राणा। विजिलेंस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंद्रजीत राणा धोखाधड़ी के एक मामले की जांच कर रहा था। इसी दौरान उसने 41 CRPC का नोटिस तामील कराने के नाम पर 20,000 रुपए की घूस मांगी। मामले की शिकायत देहरादून विजिलेंस तक पहुंची तो टीम ने देहरादून से हरिद्वार का सफर तय कर आरोपी इंद्रजीत सिंह राणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। देर रात तक ज्वालापुरी कोतवाली में विजिलेंस ने दरोगा से पूछताछ की। अब मामले में जल्दी आगे एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट राजकुमारी।